गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब पढ़ते हैं हम कि तीन दो श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ा था। तो दो श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ लिया है कि एल्केन और एल्किन श्रेणी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब पढ़ते हैं हम नंबर तीसरी श्रेणी के बारे में जो है, पिछली वीडियो में दो श्रेणियों के बारे में पढ़ा, अब इस वीडियो में पढ़ेंगे हम तीसरी श्रेणी के बारे में। उस श्रेणी है एल्काइन, एल्काइन श्रेणी। कौन सी श्रेणी है बेटा? एल्काइन का नामकरण करते हैं, एल्काइन का क्या करते हैं? नामकरण करते हैं, ठीक है। तो एल्काइन श्रेणी का हम नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले एल्काइन श्रेणी का सबसे पहले है कि इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो देखिए बेटा, इस श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n-2 होता है कि इसमें माइनस क्या लग रहा है? 2 लग रहा है, ठीक है। दूसरा है इसमें इसका पूर्व लगन, इसका अनुलग्न, इसका अनुलग्न अनुलग्न आयन होता है। इसका अनुलग्न क्या होता है? आयन होता है। इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसके कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तीसरा है, चौथा पॉइंट है इसका, इसमें कार्बन परमाणु एन बराबर एक से नहीं लिया जाता है। एन बराबर एक से नहीं लिया जाता है अर्थात एन बराबर दो से कार्बन परमाणु की कार्बन परमाणु की संख्या ली जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि इसमें है कि इसमें कार्बन कार्बन परमाणु, इसमें कार्बन परमाणु n बराबर एक से नहीं लिया जाता है अर्थात n बराबर 2 से कार्बन परमाणु की संख्या ली जाती है, ठीक है। पांचवा है इसमें इन्हें असंतृप्त इन्हें असंतृप्त हाइड्रो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। कार्बन भी कहते हैं।
इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। देखिए बेटा एक बार और देख लीजिए कि इस श्रेणी का सामान्य सूत्र है H2N-2 होता है, इसके बाद में इसका अनुलग्न आयन होता है, इसके बाद में इसके इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं जिसे। इसमें कार्बन परमाणु n बराबर 1 से नहीं लिया जाता, अर्थात n बराबर 2 से कार्बन परमाणु की संख्या ली जाती है। इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इस श्रेणी का इस नियमों के आधार पर नामकरण किया जाता है। तो अब देखते हैं कि इस श्रेणी के इसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। तो अब देखते हैं इसका नामकरण किस प्रकार होता है। देखिए इधर एल्केन श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी। कौन सी श्रेणी बेटा? सबसे पहले हम लिखेंगे N=2, N=3, N=4, N=5 और N=6। N=1 नहीं है, इसमें नहीं लिया जाता है, ठीक है। कौन सी श्रेणी है? एल्काइन श्रेणी। कौन सी श्रेणी बेटा? एल्काइन श्रेणी। देखिए इसमें एल्काइन श्रेणी का इसका सूत्र है, सूत्र CnH2n-2, ठीक है। तो सूत्र हो गया। अब इसका हम पूर्व लगन लेंगे, पूर्व लगन और अनुलग्न। पूर्व लगन और अनुलग्न ले रहे हैं। इसमें पूर्व लगन क्या होता है? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पूर्व लगन लिया जाता है। तो इस श्रेणी में कार्बन परमाणु संख्या 1 से प्रारंभ नहीं, 2 से प्रारंभ करते हैं। तो पूर्व लगन यह है, इसमें हो जाएगा 8th। क्या हो जाएगा? 8th पर हो जाएगा, 8th हो गया, ठीक है। पूर्व लगन 8 हो गया। उसके बाद में अनुलग्न इस श्रेणी का क्या है? इन क्या है? आयन। तो इसमें आयन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आयन। अब पूर्व लगन और अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है। तो पूर्व लगन हमारे पास में 8 है, प्लस में अनुलग्न हमारे पास में क्या है? आयन है। अनुलग्न हमारे पास में क्या है? आयन है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या बन गया बेटा? एथाइन बन गया ये। अब एथाइन तो इसका हाइड्रोकार्बन का नामकरण तो हो गया। अब हाइड्रोकार्बन का हमें सूत्र बनाना है बेटा। क्या बनाना है? सूत्र बनाना है। और सूत्र बनाने में देखिए कि सूत्र हमारे पास में है, एन की जगह हम कार्बन परमाणु की संख्या कुल लिख देते हैं इसमें। तो एन, एन की जगह आ जाएगा C2। एच ही हमारे में 2 है, एन की जगह 2 आ जाएगा और -2। अब ध्यान रखना C2। अब देखिए यहाँ हमें पहले गुणा करना है, तब इसमें से घटाना है हमें। पहले हम घटा देंगे और गुणा करेंगे तो आपको सूत्र का यानी कि श्रेणी का सूत्र नहीं बन पाएगा। तो इसमें 2 × 2 = 4 और 4 में से 2 घटा देंगे तो C2H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C2H2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एथाइन का सूत्र है C2H2। किसका सूत्र है? एथाइन का सूत्र है, ठीक है। एथाइन का सूत्र क्या बन गया? C2H2। ये आपका नाम का नाम बन गया, ये इसका आपका इस सूत्र के आधार पर सूत्र बन गया। अब हमें क्या करना है? इसकी सूत्र संरचना करनी है। क्या करनी है? सूत्र संरचना। सूत्र संरचना में देखिए इसमें हमारे पास में कार्बन कितने हैं? 2। तो कार्बन हमारे पास में 2 हो गए कार्बन हमारे पास में 2। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे? इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। दोनों के बीच में क्या लगेंगे? 3 डंडे लगा दो, जिसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अब हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हैं? 1। एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन एक ही हो गया।
अब हमने इसके बीच में क्यों लगाया, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, एक होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है इसलिए एक लगाया। अब इनके कार्बन की संयोजकता देख लो, इसकी 3 + 1 = 4 और इसकी देख लो 3 + 1 = 4, तो हाइड्रोजन की कार्बन की संयोजकता हो गई हमारे पास में। या इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, CH और CH ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से भी कर सकते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 + 1 = 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 + 1 = 2, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन गया, एथाइन का सूत्र बन गया। अब इसकी सूत्र संरचना करनी है, हमें क्या करनी है, सूत्र संरचना कर दी हमने, इसके बाद में हमें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कोई ज़रूरी नहीं है हमें करना या नहीं करना। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जो होती है वो मीथेन की मांगते हैं, मीथेन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना मीथेन की मांगी जाती है। तो इस तरह से एल्केन श्रेणी का एथाइन का सूत्र बन जाता है, और एल्केन श्रेणी का एथाइन का सूत्र बनने के बाद उसका नामकरण होगा, नामकरण का बनने के बाद में उसका सूत्र होगा, और सूत्र बनने के साथ साथ उसका सूत्र संरचना कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है बेटा, सूत्र संरचना कर दी जाती है। आगे देखिए, इसमें अगला टॉपिक लेते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं इसमें देखिए, इस श्रेणी का देखिए, देखिए सर आगे अगला इसमें लेते हैं, देखिए n बराबर 2 ले लिया, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 और n बराबर 6 पे लेते हैं। अब n बराबर हम 2 ले लिया हमने, अब इसमें ये पूर्व लगन है, एथ प्रोप ब्यूट पेंट और हेक्स हो गए। अब इसमें लिखते हैं श्रेणी हमारी एल्काइन है, श्रेणी हमें कौन सी हुई, श्रेणी है एल्काइन श्रेणी है, सूत्र हमारा CnH2n-2 है, ये सूत्र है। उसके बाद हम अब देखते हैं इसमें कि पूर्व लगन ले लेते हैं, पूर्व लगन हमारे पास में वही लेते हैं हम, ले लेते हैं 3 पर, और अनुलग्न हमारे पास में वही श्रेणी का अनुलग्न है, ठीक है बेटा, कि पूर्व लगन हमारे पास में प्रोप है, उसके बाद में अनुलग्न हमारे पास में क्या है, आयन, क्या है आयन, इसका अनुलग्न हमेशा क्या होता है, आयन होता है, क्या होता है आयन, ठीक है। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, प्रोप प्लस में आयन, प्रोप प्लस में आयन क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब प्रोप प्लस में आयन हो गया, प्रोपाइन बन गया, क्या बन गया बेटा, प्रोपाइन बन गया। अब प्रोपाइन बन गया तो प्रोपाइन का तो ये तो नामकरण हो गया, इसका सूत्र बनाना है हमें, सूत्र है इसका सूत्र बनाना है, सूत्र में सी एन बराबर कितने पर है, 3 पर है, तो C3 H के बीच में 3 आ जाएगा -2, तो मैंने आपको बताया था कि C3 है ही, N की जगह 3 आ जाएगा, 2 है ही हमारे पास में, H2 गुना में क्या आ जाएगा 3, जो आपने N की जगह 3 लिया गुना
माइनस दो, इसको गुणा करना है। सबसे पहले टू नहीं घटाना है हमें, सी थ्री तीन छः माइनस दो, तो सी थ्री एच फोर हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र है, सी थ्री एच फोर किसका है, प्रोपाइन का सूत्र है। आपसे पूछ सकता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सूत्र पूछ सकता है, सूत्र की संरचना पूछ सकती है, इसका नामकरण पूछ सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोपाइन का सूत्र क्या है, सी थ्री एच फोर क्या है, सी थ्री एच फोर है, इसके सूत्र संरचना करवाता है, सूत्र संरचना, सूत्र संरचना देखिए, इसमें सी कितने हमारे पास में तीन। अब देखिए सी थ्री सी हमारे पास में तीन है बेटा, यहाँ ध्यान रखने की बात है, सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हम कार्बन हमारे पास में तीन है, तो कार्बन तीनों कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाना है, हमें दो कार्बन के इसके बीच में लगा दो चाहे इधर लगा दो, वहाँ हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि इस श्रेणी में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल, तो यहाँ हमने तीन डंडे लगा दिए, बाकी हमने यहाँ क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हैं, एक चार हैं, तो जहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाए वहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो, लगा दिया, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां तीन हाइड्रोजन लगा दो, लगा दिया तीन। अब देखते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड के जहां हमने एक हाइड्रोजन लगाया वहां संयोजकता कार्बन की हुई कि नहीं, ये कार्बन है इसकी संयोजकता तीन और एक चार हो गई कार्बन की संयोजकता। उसके बाद में इसकी देखते हैं हम संयोजकता, तीन एक और तीन कितने हो गए, चार हो गए। अब इस कार्बन की संयोजकता देखते हैं चार हो रही कि नहीं हो रही है, एक दो तीन और एक चार, चार संयोजकता हो गए। तो ये विशेषकर ध्यान रखना है कि हमें ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसी कार्बन के दो कार्बन के मध्य लगाना है, सब कार्बनों के बीच में नहीं लगाना है। तो ये इसकी सूत्र संरचना हो गई, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला पे चलते हैं, अगले टॉपिक, अगले इस पे चलते हैं। देखिए इसमें देखिए अब आ जाता है हमारे पास में कौन सा, पेंट और सॉरी ब्यूट आ जाता है, कौन सा आ जाता है, ब्यूट, ब्यूट प्लस में आयन, तो यहां ब्यूट प्लस आयन, तो यहां ब्यूट प्लस में आयन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन, क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। ये हाइड्रोकार्बन का क्या है, नामकरण है। अब इसका सूत्र बनाना है, तो ब्यूट एन बराबर कितने पर है, चार पर, क्या कितने पर है, चार पर। तो यहाँ सूत्र है हमारे पास में, सूत्र है सी एन एच टू एन प्लस टू, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये हमारे पास में सूत्र है। अब इसका एन की जगह क्या लिख देंगे, फोर एच टू है हमारे पास में, और एन की जगह क्या जाएगा, फोर माइनस टू सी फोर, चार दूनी आठ माइनस टू सी फोर एच सिक्स हो जाएगा। इसका सूत्र क्या है, सी फोर एच सिक्स, ये इसका सूत्र है, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, इसकी सूत्र संरचना करनी है, सूत्र संरचना, सूत्र संरचना में देखते हैं सी कितने है हमारे पास में बेटा, चार, वन टू थ्री और फोर, चार हो गए। मैंने आपको बताया कि जब सिंगल बॉन्ड को छोड़कर ट्रिपल बॉन्ड, डी बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो कार्बन के किसी भी कार्बन के मध्य चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, ज़्यादातर आपको इधर लगाना और इधर लगाना सबसे बेटर होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया हमने, ठीक है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड इधर लगा दो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाया वहाँ हाइड्रोजन कितने हमारे पास में, छः, तो वहाँ एक हाइड्रोजन लगाइए, एक हाइड्रोजन, यहाँ इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, एक हाइड्रोजन लगा दे, तीन और एक चार, तीन और एक चार। अब दो इनको छोड़कर इन दोनों के बीच में कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, पांच, तो एक दो तीन चार और एक पांच हो गया। यहाँ हमने हाइड्रोजन एक लगाया क्योंकि तीन और एक चार संयोजकता हो गई, यदि एक हाइड्रोजन लगा दिया तो तीन तीन दो पाँच, पाँच संयोजकता हो जाती कार्बन की, जबकि पाँच संयोजकता नहीं होती, कितनी संयोजकता होती है बेटा, चार संयोजकता होती है, तो चार संयोजकता तीन और एक चार, इसकी भी तीन और एक चार। अब जहाँ इनके बीच में दोनों को छोड़कर इनके बीच में सबको लगा दो, एक दो तीन और एक चार, एक दो तीन और एक चार, इस तरह से भी हम सूत्र संरचना कर सकते हैं, ये विशेषकर हमें ध्यान रखना होता है। अब अगला आ जाता है इसमें पेंट,
क्या आ जाता है? पेंट। एन बराबर फाइव है, पेंट प्लस में आइन, पेंट प्लस में आइन हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे पेंट प्लस आइन तो क्या बन जाएगा? पेंटाइन। क्या बन जाएगा बेटा? पेंटाइन बन गया। ठीक है, अब इसका सूत्र बनाना है तो सी फाइव एन की जगह क्या आ जाएगा? फाइव, संख्या टू फाइव माइनस टू, सी फाइव टेन माइनस टू, सी फाइव एच एट, क्या आ जाएगा? सी फाइव एच एट। ये किसका सूत्र है? पेंटाइन का सूत्र है। किसका सूत्र है? पेंटाइन का। सूत्र संरचना करनी है हमें यहाँ पर, सूत्र संरचना, सूत्र संरचना हम देखते हैं। सी कितने हमारे पास में? एक दो, सी कितने हमारे पास में? पाँच, एक दो तीन चार और पाँच। ठीक है, पाँच सी ले ली हमने। एच कितने हमारे पास में? आठ। परंतु इस श्रेणी में कौन सी श्रेणी में? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य। क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। चलो यहाँ लगा दें, चाहे यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दिया हमने, चाहे इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं लगा देते हैं। यहाँ एच आठ कितने? एच कितने? आठ। एक लगा दिया, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, दोनों इन दोनों को छोड़ देना, बाकी सबके बीच में बाकी के जो हाइड्रोजन है उनको लगा दीजिए। ये लगा दिया, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ, हो गया सूत्र संरचना। इस तरह से एल्काइन श्रेणी का सूत्र और नामकरण किया जाता है। समझ गए होंगे, इस तरह से एल्किन, हमने तीनों श्रेणी पढ़ी थी, एल्किन 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 और एल्काइन, तीनों श्रेणियों के नामकरण, सूत्र सूत्र ज्ञात करना, उसका हाइड्रोकार्बन का नामकरण ज्ञात करना, और सूत्र संरचना और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, ओके।